राक्षसों ने तो गुफा का द्वार भी बंद कर दिया, अब मृत्यु निश्चित है भाई, ये राक्षस अब हमें नहीं छोड़ेंगे। अरे मित्र, इतने निराश क्यों होते हो? मृत्यु के मुख में पहुंचने के पश्चात क्या अब भी तुम्हें जीवित रहने की आशा है? जब भगवान के नाम का स्मरण करते हो तो उस पर विश्वास करना भी सीखो, जब विश्वास नहीं है तो केवल मुंह से जाप करते रहने से कोई लाभ नहीं है। जब तुम उसे अपना मानोगे तभी वो तुम्हारी पुकार सुनेगा। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा भैया, यहाँ से मुक्त होने का उपाय सोचो। हमारे सोचने से क्या होता है, जो होता है भगवान का सोचा हुआ ही होता है, वे हमारे विषय में अनुकूल सोचे, इसके लिए हमें उनके नाम का स्मरण करना होगा, उन्हें पुकारना होगा। तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे भैया। हमारे पास ना पत्र है, ना फूल, ना अक्षत, ना कुमकुम, ना दीपक, हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। कुछ है तो केवल हमारी भावना। हम दीन दुखियों की प्रार्थना स्वीकार करना, हमारी रक्षा करना, शिव प्रार्थना का आरंभ करना। महाबली दारू आ गए।
मुझे क्यों बुलाया है? देखो क्या दशा हो गई है हमारी। किसने बनाई है तुम्हारी ये दुर्दशा? गुफा में, गुफा के सर्पों ने, शिव के सर्पों ने जो शिवलिंग से निकले थे। शिव, शिवलिंग, इस शिव ने बहुत गड़बड़ मचा रखी है। मुझे इसका साँचा ठीक करना ही होगा। कहाँ है वो सर्प? नहीं, गुफा में। चलो आओ देखते हैं कहाँ है वो सर्प। क्या हुआ? तुमने हुंकार नहीं सुनी उस राक्षस की? तुमने कृपा नहीं देखी भगवान शिव की? इतना समझाने पर भी तुम लोगों का विश्वास टूट क्यों जाता है? क्या करें सुत्रिय भैया, राक्षस का भय विश्वास हिला देता है। सत्य तो यह है कि तुम्हारे मन में विश्वास है ही नहीं। कारण कि जहाँ विश्वास होता है वहाँ भय हो ही नहीं सकता। विश्वास जल में लहर की भांति आता और जाता है। तुम्हारे मन में भय ने अपना स्थान बना लिया है। क्या करें, प्राणों का मोह भयभीत करता है। कहां से लाए हो ये प्राण? कहो कहां से लाए हो? क्या हाथ से विक्रय करके लाए हो? जिसने इस पृथ्वी पर जन्म दिया है केवल उसी को अधिकार है इन प्राणों का। वही भगवान शिव इस बार भी हमारे प्राणों की रक्षा का उपाय करेंगे। महाबली, इन शिवालों को मार काट कर इनके शव समुद्र में फेंक दो। हाँ दारुक दादा, बहुत अहंकारी हो गए हैं ये शिव नाम वाले। आज सबका कार्य पूर्ण कर देता हूँ, शिव का भी और शिवालों का भी। यही होना चाहिए। हमारे स्वामी महाबली तारकासुर भी इन शिव नाम वालों से बहुत तंग आ चुके हैं। बहुत कष्ट देते हैं ये शिव नाम वाले। सारे कष्ट दूर कर देता हूँ, तारकासुर का भी और तुम्हारे भी। आने दो, भगवान शिव हमारी रक्षा करेंगे। किंतु वे रक्षा तब करेंगे जब हम मन में विश्वास के साथ उनकी शरण में जाएंगे। हम सब शरणागत हैं। तो आराधना करो शिव की, वे हमारी रक्षा करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। निर्भय रहो, ये पाशुपतास्त्र ग्रहण करो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। राक्षस दारुक इसी ओर आ रहा है, अर्थात वो अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। प्रिय भक्त सुप्रिय, तुम इस पाशुपतास्त्र से उसका वध करके सदा सदा के लिए क्षेत्र को आतंकहीन कर दो। उठाओ ये पाशुपतास्त्र। तारकासुर के सेनापति को तुमने भगा दिया, परंतु दारुक को नहीं भगा पाओगे। दारुक को मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। ओम नमः शिवाय। कहो साथियों, दुष्ट का भय बढ़ा या भगवान का विश्वास? भगवान का विश्वास। इस सत्य को जीवन में कभी मत भूलना साथियों, कि भगवान हमें ऐसी विकट परिस्थिति में डालेंगे जहां से निकलने की संभावना ना हो। उन्होंने बार बार हमारी रक्षा की है, हमें उनका आभार मानना चाहिए। अवश्य। भगवान शिव हमारे पिता हैं, हम उनकी संतानें हैं। वो हमारी रक्षा तो करते हैं, परंतु सामने क्यों नहीं आते, दर्शन क्यों नहीं देते? उन्हें पुकारिए, बुलाइए, आएंगे, दर्शन अवश्य देंगे। तो चलो हम सब मिलकर पुकारते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
प्रिय भक्तजनों, प्रिय भक्त सुप्रिय, भगवान भोलेनाथ ओम नमः शिवाय, कल्याण भगवान शिव शंकर की जय। भगवान आपके दर्शन पाकर आज हमने सब कुछ पा लिया प्रभु, अब जीवन में कुछ भी पाना शेष नहीं है, मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। प्रिय भक्त सुप्रिय, हम तुम्हारी भक्ति भावना, दृढ़ विश्वास और आस्था से अत्यंत प्रसन्न हुए, जो कामना हो मांग लो। आपके दर्शनों की कामना थी प्रभु जो पूर्ण हो गई, अब यही कामना है कि आपके दर्शन सदा होते रहे। सदा के लिए दर्शन की इच्छा है तो उपाय करना होगा सुप्रिय। अवश्य करूंगा भगवान, आप ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा सदा के लिए इसी स्थान पर विराजमान हो जाएं और शिव भक्तों पर फिर कोई भी अत्याचार न कर सके, उन पर आपकी कृपा सदा बनी रहे। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा के अनुसार इस स्थान पर एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना होगी और वो ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भक्त इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन, पूजन और आराधना करेगा, उसे ना तो कभी नागों का भय होगा ना ही अकाल मृत्यु का। कल्याण भव। भगवान नागेश्वर की जनों ने पुकारा संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा संकट पड़ने पर, तब तब जो ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। इसके संगे संगली बहा बहा मैं शिव छटा छटा शिवानी के संगे शंकर जी आया, ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदा सदाश्वर कहलाया। ये वो ज्योतिर्लिंग यहाँ जहाँ पांच पांच मिलता, दुख के पतझड़ में भी यहाँ यहाँ खुशी का मिलता। विजय ने कहा था कि तू भी उसे खोज और वो स्वयं खो गई, अब मैं कहां खोजूं उसे? अरे विजया तू कहां रह गई थी? तू बोलना तू कहां थी अब तक? तेरी मति मारी गई है, तूने ही तो कहा था कि मैं इधर जाऊं और तू उधर जाएगी पार्वती को ढूंढने के लिए, तो मैं ढूंढी रही हूं। तो तू अब तक उसे ढूंढी रही है? क्यों, तूने ढूंढ लिया है उसे? नहीं, फिर तो मैं भी तुझसे यही प्रश्न कर सकती हूँ कि तू अब तक ढूंढती रही है उसे, अर्थात पार्वती नहीं मिली? नहीं, कहाँ गई होगी? विजया मुझे तो लगता है वो हिमगिरी शिखर पर शिव जी के पास गई होगी। नहीं, वो वहाँ नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? कौन रोकेगा उसे? स्वयं शिव जी ने तो कहा था कि वो एकांत चाहते हैं और कोई उनके समीप आकर उनकी एकांत समाधि में बाधा ना डाले। कहा था, पर क्या पार्वती शिव जी की बात मानेगी?
जया, वो शिव जी के अतिरिक्त और किसी की बात नहीं मानेगी। अरे तू बोलती ही जाती है, हम तो आए थे यहाँ पार्वती को ढूंढने के लिए, इसमें मानने या ना मानने की बात कहाँ से आती है? लगता है तेरे मस्तिष्क ने तेरा साथ छोड़ दिया। इस पर फिर विचार करेंगे किसके मस्तिष्क ने क्या छोड़ा है। अभी चलकर पार्वती को ढूंढते हैं, चल चलो। ओम नमः शिवाय। कहाँ चली गई? पता नहीं। ओम नमः शिवाय। वो वहाँ, वहाँ कहाँ? हे मेरी माँ, मस्तिष्क के साथ साथ इसकी आँखें भी गई। अरे मेरी आँखों से देख, वो सामने। अरे वो पार्वती है या कोई ऋषि मुनि? चल चल कर देखते हैं, चल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। अरे ओ ज्ञानी जी। अरे ओ ज्ञान योगी जी। ओम नमः शिवाय। मुनिवर, तुम्हारे भक्त आए हैं। भक्त नहीं मूर्खा, शिष्य आए हैं। शिष्य नहीं निर्बुद्धि, शिष्याएं आई हैं। तुम दोनों यहाँ क्या लेने आई हो? तुम्हें लेने आए हैं। मेरी सखी किसके ध्यान में बैठी थी? विजया, अब ये प्रश्न प्रश्न कहाँ रहा? हाँ री हाँ, प्रश्न तो कब का उत्तर बन गया है। तुम्हें हर समय छेड़छाड़ ही सूझती है। हर समय नहीं, समय समय पर, यदा कदा अर्थात कभी कभी। देखो, जब कोई ध्यान में बैठा हो तो उसे बाधा पहुंचाना उचित नहीं है, वो पाप का भागी होता है। माई रे माई, हम तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं होंगे। हम तो केवल तुम्हारी प्रसन्नता और तुम्हारे सुख में ही भागीदार बनेंगे। इसके लिए तुम दोनों को मेरी एक बात माननी होगी। अवश्य मानेंगे। तो फिर तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चली जाओ। चलो विजया। चलो जया। कैलाशवासी शिव समझते क्या है अपने आप को? क्या वो हिमालय राज से भी ऊंचे हो गए? ये कहां का न्याय है कि हमारी ही भूमि पर आए अतिथि हमारा ही तिरस्कार करे? हमारे मान सम्मान का तनिक भी विचार नहीं किया उन्होंने। मेना, इसमें इतना उत्तेजित होने का क्या कारण है? है माँ है, जिन्हें अपना आत्म सम्मान और स्वाभिमान प्रिय है उनके लिए ये उत्तेजना का ही कारण है। भला ये भी कोई बात हुई? कैलाशपति ने हमारे ही राज्य क्षेत्र में आकर हमारा ही अपमान किया। एकांत प्रियता की ओट में उन्होंने हमें हमारे ही स्थान पर आने से रोका। तुम ही कहो माँ, ये अपमान नहीं तो और क्या है? कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकता। स्वाभिमान और अहंकार में अंतर होता है पुत्र। तुम्हारे उत्तेजना के मूल में तुम्हारे अधिकार का अहंकार है। यदि हमें हमारे क्षेत्र के अतिरिक्त किसी और स्थान पर आने से रोका जाता तो तुम्हारे अहम को ठेस नहीं लगती। अहम को चोट तो इसलिए लगी है कि तुम्हें तुम्हारे अधिकृत स्थान पर आने से रोका गया है। परंतु माँ, उन्हें यह तो सोचना चाहिए था कि यदि वो हमें हमारे ही स्थान पर आने से रोकेंगे तो हमारी मानसिकता किस और गतिमान होगी। सारी स्थिति जानते हुए भी तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो पुत्र? क्या उन्होंने नंदी को भेजकर हमसे अनुमति नहीं मांगी थी और स्पष्ट नहीं किया था कि वो एकांतवास के लिए हिमगिरी पर्वत पर आना चाहती है? पुत्र, अगर एकांत की समस्या नहीं होती तो क्या कैलाश पर्वत का क्षेत्र छोटा था उनके लिए? अरे जया, पार्वती कहाँ है? मैंने भी उसे प्रातःकाल से नहीं देखा, कहाँ गई है वो? क्या बात है, तुम दोनों बोलती क्यों नहीं हो? कहाँ है पार्वती? वहाँ। वहाँ कहाँ? वो उद्यान में। उद्यान में? उद्यान में अकेली क्या कर रही है? ध्यान कर रही है। ध्यान कर रही है? किसका ध्यान? भगवान शिव का ध्यान। शिव का ध्यान? तुम दोनों उसे बुलाकर साथ में क्यों नहीं लाई? कैसे लाती, वो तो किसी से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। जो हमारा अपमान करे, पार्वती उस शिव की आराधना कर रही है। माँ, पार्वती को रोकना होगा, तुरंत रोकना होगा।
मैं उसे शिव की आराधना नहीं करने दूंगा, मैं अभी लेकर आता हूं उसे। क्रोध और उत्तेजना से किया हुआ कोई भी कार्य शुभ नहीं होता पुत्र, धैर्य करो। किंतु पिताश्री, जिस शिव ने हमारा अपमान किया पार्वती उसी की आराधना कर रही है, क्या ये उचित है? अपने माता पिता के समक्ष उचित और अनुचित का प्रश्न करना क्या संतान के लिए उचित है? और तुम्हारा ये मान लेना कि शिव ने हमारा अपमान किया है, क्या ये उचित है? किसी की आराधना में विघ्न डालना भी क्या उचित है? उत्तर दो पुत्र। इन दोनों को कौन समझाए कि शिवलीला का रहस्य क्या है? कितने अज्ञानी हैं ये दोनों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। देवर्षि, पार्वती का शत शत प्रणाम स्वीकार करें। देवर्षि, कल्याण भव, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरी मनोकामना के विषय में आपको ज्ञान है देवर्षि? कुछ कुछ है, कुछ तुम बताओ, पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। आप तो अंतर मन की बात जान लेते हैं मुनिवर, मैं क्या बताऊं? तो समझो कि वही जानकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तुमने जो मार्ग चुना है सही है। अर्थात? अर्थात तुम्हारी शिव भक्ति ही तुम्हें भगवान शिव तक पहुंचाएगी। नारायण नारायण। दृष्टता क्षमा करें, तो एक प्रश्न पूछूं देवर्षि? अवश्य अवश्य पूछो। प्रकट रूप में आप भविष्यवाणी कर ही चुके हैं कि शिव जी जो मेरे आराध्य हैं, वे मेरे भावी पति होंगे, फिर उन्होंने मुझे दर्शन देने से वंचित क्यों किया? अलौकिक कार्य जब लौकिक रूप में संपन्न होते हैं तो उनका रूप विचित्र हो जाता है। मैं कुछ समझी नहीं देवर्षि। सत्य ये है देवी कि भगवान शिव अपनी आराधना करने वालों की कठोर परीक्षा लेते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि उनके रोकने पर भी क्या उनके भक्त उनके समीप आते हैं या नहीं। रोकने पर समीप जाना कैसे संभव होगा देवर्षि? यही तो परीक्षा का सबसे कठिन स्थल और मोड़ है। भक्त को यहाँ धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। देवी, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा भविष्य तो उज्जवल ही उज्जवल है। कृपया ये तो बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए? उत्साह और भक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पर कैसे? भगवान शिव के समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें रिझाने तथा अपनी ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित करके। भगवान शिव रुष्ट हो गए तो? नहीं, वे रुष्ट नहीं होंगे, तदुपरांत उनकी तुम पर कृपा दृष्टि होगी। फिर तो मैं अवश्य जाऊंगी, मुझे आशीर्वाद दें देवर्षि। कल्याण भव। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। एकांत ध्यान में बाधा ना डाले। अभी अभी तुम क्यों बाधा डाल रहे थे उन्हें पुष्प अर्पित करके? मैं वह सब नहीं कर रहा था, मैं तो अपने स्वामी और आराध्य की आराधना कर रहा था। मैं भी वही और उतना ही करूंगी, अपने आराध्य की
मौन पूजा करने आई हूँ। मेरी उपस्थिति से उन्हें तनिक भी विघ्न नहीं पड़ेगा। ज्ञान रखते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। बैठी होगी वहीं उद्यान में ध्यान लगाए। अर्थात तुम्हें भी ज्ञात नहीं कि पार्वती कहाँ है इस समय? ज्ञात कैसे होगा माँ, इन दिनों उसका कोई एक स्थान तो है नहीं। दिन भर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटकती रहती है वो। जया, तुमने देखा है पार्वती को? नहीं, मैंने नहीं देखा। कहाँ गई थी तुम? बोलती क्यों नहीं, कहाँ गई थी तू? पार्वती, मैं अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन और आराधना के लिए गई थी। पार्वती, अपने कुल की लाज मर्यादा का विचार है तुम्हें? विचार होता तो वहां जाती ही क्यों, उसके पास जिसने हमारा अपमान किया। अपमान सम्मान का विचार ना भी हो तो भी क्या इसका वहां जाना उचित है? उस भस्म से लिपटे कैलाशपति और योगी के पास। भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप उनके सम्मान में कुछ न कहें, उससे सुना नहीं जाएगा। क्यों नहीं सुना जाएगा? जब मैं कह सकता हूँ तो तुम मेरी बहन होकर क्यों नहीं सुन सकती? इसलिए कि वे मेरे आराध्य हैं। किसने कहा उसकी आराधना करने के लिए? आपसे किसने कहा उनके प्रति अपने मन में दुर्भावना रखने के लिए? क्या ये मेरे प्रश्न का उत्तर है? हाँ, यही उत्तर है। ये मनमानी की बात है, जिसके लिए मन माने वही आराध्य, न माने तो घृणा का पात्र। जिस आधार पर आप उनका अपमान करते हैं, उसी मन बुद्धि के आधार पर मैं उनकी आराधना करती हूँ। तुम बुद्धि से नहीं, मन और भावनाओं से कार्य कर रही हो पार्वती। जीवन के निर्णय भावनाओं के आधार पर नहीं होते। भैया, मैं आपसे पुनः प्रार्थना करती हूँ
कि आप मेरी शिव आराधना में बाधक ना हो, अन्यथा परिणाम शुभ नहीं होंगे। क्या माँ और भैया को प्रसन्न करके तुम्हारी आराधना पूर्ण हो सकेगी? सभी ओर से विचार कर लो पार्वती, मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। मैंने पूर्ण विचार कर लिया है, मैं मार्ग की सभी बाधाओं को एक ओर करके अपने आराध्य तक पहुंच जाऊंगी। शिवाराधना के लिए यहां आती है और मनी मन पूजा अर्चना करके वापस चली जाती है, किंतु शिव शंकर की समाधि नहीं टूटती। वो तो अडेग अपनी समाधि में लीन एवं अवस्थित है। तो क्या भोलेनाथ की समाधि कभी टूटेगी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, किंतु यह ज्ञात नहीं है कि यह समाधि कब तक टूटेगी। मेरा विचार है इस विषय में ब्रह्मा जी कुछ बता सकेंगे। हाँ, हमें उन्हीं के पास चलना होगा। देवराज इंद्र तथा देवगण हिम शिखर पर पार्वती की निरुत्तर शिवाराधना को देखकर चिंतित थे। उनका मन आशंकित था कि भगवान शिव पार्वती की आराधना स्वीकार करेंगे अथवा नहीं। यदि पार्वती की उपासना भगवान शिव के मन में अनुराग उत्पन्न न कर सकी तो उनके भविष्य की स्थिति क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? ओम नमः